नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। संविदा खेल प्रशिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, खेल मंत्री ने मानदेय बढ़ाया, शासनादेश जारी। उत्तराखंड खेल विभाग में संविदा पर तैनात खेल प्रशिक्षक लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद अब उत्तराखंड सरकार ने संविदा खेल प्रशिक्षकों को बड़ी सौगात देते हुए मानदेय को बढ़ा दिया है। इस संबंध में विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने जीओ जारी कर दिया है। संविदा खेल प्रशिक्षकों की मांग के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने बीते मंत्रिमंडल में मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका गुरुवार को आदेश जारी किया गया। रामनगर के सरकारी हॉस्पिटल को PPP मोड से हटाने की मांग, लोगों ने दिया धरना। सरकारी अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ आज पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें पंचायत नगर पालिका के प्रतिनिधियों और आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रामनगर अस्पताल के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इस बीच उन्होंने अस्पताल को PPP मोड से हटाने की मांग भी उठाई। MP राजस्थान में धाकड़धामी का ताबड़तोड़ प्रचार, कांग्रेस ने कसा तंज, उत्तराखंड की अनदेखी का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में BJP की जन आशीर्वाद यात्रा में CM पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जहां उन पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई। उधर राजस्थान में भी CM धामी परिवर्तन रैली में गर्जे। इन दोनों राज्यों में CM धामी की लोकप्रियता देखने को मिली, जिस पर कांग्रेस ने सवाल दागे हैं। कांग्रेस का कहना है कि अन्य राज्यों में सैर करने की बजाय अपने राज्य की सुन लेते तो ज्यादा अच्छा होता। रुद्रप्रयाग में डेयरी व्यवसाय से किसान हो रहे मालामाल, रोजाना 15,000 लीटर से ज्यादा दूध का हो रहा उत्पादन। जिला प्रशासन एवं दुग्ध विकास विभाग के सहयोग और मार्गदर्शन में तीनों विकास खंडों में प्रतिवर्ष नए किसान दुधारू पशुओं की खरीद कर अपनी आजीविका में सुधार ला रहे हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन योजना के तहत डेयरी विकास विभाग किसानों को डेयरी व्यवसाय से जोड़ रहा है, साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी समेत ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मौजूदा समय में जिले में विभिन्न महिला समूह एवं किसान मिलकर प्रतिदिन 15,000 लीटर से ज्यादा दूध उत्पादन कर बेच रहे हैं। ऋषिकेश में चोरों ने दिनदहाड़े की सेंध मारी, लाखों के आभूषणों पर किया हाथ साफ। श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले घुमाने वाले में दिनदहाड़े घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी हुई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और चोरों की तलाश में जुट गई है। वहीं पीड़ित ने जल्द से जल्द चोरी का खुलासा कर चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने और चोरी हुआ सामान बरामद करने की मांग उठाई है। सोनप्रयाग में ओवररेटिंग की शिकायत पर DM ने लिया संज्ञान, जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी करेंगे जांच। जिला प्रशासन को सोनप्रयाग GK एंटरप्राइजेस द्वारा संचालित पार्किंग में ओवररेटिंग करते हुए अतिरिक्त शुल्क वसूलने की शिकायत मिली है, जिसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ घरवाल ने तत्काल संज्ञान लिया। जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी पूरे मामले की जांच करेंगे। वहीं अगर जांच में संबंधित पार्किंग संचालक द्वारा अतिरिक्त धनराशि की वसूली करने की पुष्टि होती है तो संचालन शुरू होने से वर्तमान तक जो भी ओवररेटिंग की गई है उस धनराशि की वसूली संबंधित पार्किंग संचालक से की जाएगी। अगर संचालक ने उक्त धनराशि समय पर जमा नहीं की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लक्सर में नशा तस्कर की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई तेज, पुलिस ने घर पर मारा छापा। नशा तस्करी के आरोपी की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई के लिए लक्सर पुलिस एक्शन में है। लक्सर पुलिस ने पहले आरोपी के घर की तलाशी के लिए कोर्ट से सर्च वारंट जारी किया, जिसके बाद आरोपी के घर पर छापेमारी की गई, जिसमें कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। भालू का अटैक, धराली में भालू के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल, रामनगर में ट्रेन से टकराकर हाथी की मौत। उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा मामला उत्तरकाशी के धराली से सामने आया है, जहां राजमा निकाल रही महिला पर भालू ने हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। गनीमत रही कि मौके पर अन्य ग्रामीण मौजूद थे, जिन्होंने महिला को भालू के चंगुल से छुड़ाया। अब महिला को एम्स ऋषिकेश में रेफर किया जा रहा है। उधर रामनगर में ट्रेन से कटकर हाथी की मौत हो गई। बागेश्वर नाबालिग रेप केस, कोर्ट ने युवती समेत दो लोगों को सुनाई 20 साल की सजा, एक को 5 साल कैद, दो नाबालिगों का चल रहा ट्रायल। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने युवती समेत तीन लोगों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। इस केस में दो नाबालिग भी शामिल थे, जिनका भी ट्रायल चल रहा है। फेक रिकवरी एजेंट अरेस्टेड, रुद्रपुर में 3 शातिर बाइक लुटेरे गिरफ्तार, बैंक रिकवरी एजेंट बनकर दिखाते थे गुंडई। किच्छा पुलिस ने फर्जी बैंक रिकवरी एजेंट बनकर बाइक रिकवरी करने वाले दो आरोपियों सहित बाइक यार्ड के मालिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिना बैंक फाइनेंस कंपनी के इनवाइस व प्रीपोज डॉक्यूमेंट के बिना ही लोगों की बाइक को लूटकर रुद्रपुर 3 पानी डैम में बने यार्ड में छिपाते थे। तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। भारी बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड में घर से सोच समझ कर निकले, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों मेघा जमकर बरस हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बारिश का ये दौर 24 सितंबर तक जारी रहेगा। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा बादल नैनीताल में बरसे हैं। महिला अपराध, भरोसे का कत्ल, जिसके साथ दोबारा इज्जत की जिंदगी शुरू करने जा रही थी तलाकशुदा, उसी ने कर दी बर्बाद।
देहरादून में तलाकशुदा महिला को मैट्रिमोनियल साइट पर दोस्ती करना भारी पड़ गया। महिला जिस व्यक्ति के साथ घर बसाने का सपना देख रही थी, उसी ने महिला के साथ विश्वासघात किया। शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिला से नाता तोड़ लिया। महिला ने अब आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। रुड़की के पास फैक्ट्री में बड़ा हादसा, बॉयलर फटने से 17 कर्मचारी बुरी तरीके से झुलसे, यूपी पुलिस ने दी सूचना। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बुधवार 19 सितंबर देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, जिसमें 17 कर्मचारियों की बुरी तरीके से झुलसने की खबर है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं दी थी। उत्तराखंड में ड्रग इंस्पेक्टर बनने का सुनहरा मौका, यूके पीएससी ने निकाली भर्ती, जल्द करे आवेदन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने हाल में प्रदेश के अंदर होने वाली 1400 भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है, जिसकी परीक्षा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने करानी शुरू कर दी है। इस कड़ी में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने औषधि निरीक्षक के पदों पर भर्ती निकाली है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने औषधि निरीक्षक की भर्ती निकाली, जिसके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है। औषधि निरीक्षक के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 16 सितंबर को विज्ञापन जारी किया था। इच्छुक उम्मीदवार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट ukpsc.net.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आपको औषधि निरीक्षक की भर्ती से जुड़ी सारी जानकारियां मिल जाएंगी। ढाई साल में NDPS के 4,917 अभियुक्त हुए गिरफ्तार, 814 इनामी अपराधी भी भेजे गए जेल। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य को 2025 तक अपराध मुक्त बनाना चाहती है, इसके लिए पुलिस आक्रामक अभियान चला रही है। उत्तराखंड में करीब ढाई साल के अंदर NDPS एक्ट में करीब 5,000 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 814 इनामी अपराधी जेल भेजे गए हैं। बीडी पांडे अस्पताल में यूट्यूबर की मौत के बाद हंगामा, लोगों ने किया स्वास्थ्य सचिव का घेराव। यूट्यूबर अमित शाह की मौत मामले को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने बीडी पांडे अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश का घेराव किया। इस बीच बेहतर स्वास्थ्य सेवा न मिलने पर CMO समेत CMS को स्वास्थ्य सचिव ने फटकार भी लगाई। महिला आरक्षण, पूर्व CM हर्षवर्धन ने देश की महिलाओं को दी बधाई, बोले केंद्र सरकार ने 9 साल से था अटकाया बिल। महिला आरक्षण पर पूर्व CM हर्षवर्धन का बयान सामने आया, उन्होंने देश की महिलाओं को इस अवसर पर बधाई दी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराणा ने कहा कि वर्ष 2008 में पूर्व PM डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में भारी बहुमत से पारित किया था। इसके बाद बिल को जब लोकसभा में रखने का प्रयास किया, तब भाजपा सांसदों ने इसका घोर विरोध किया था। इज्जत से पेश आए, देहरादून के नए कप्तान का आदेश, पहला सर्कुलर किया जारी, नियम नहीं माने तो होगी सख्ती। नए पुलिस कप्तान ने फोर्स के लिए पहला सर्कुलर जारी किया है। कप्तान ने सीधे तौर पर कहा है कि फील्ड ड्यूटी के दौरान एडिशनल सब इंस्पेक्टर और सीनियर सब इंस्पेक्टर से इज्जत से पेश आए, नहीं तो विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इसके अलावा जो वर्दी ASI के लिए निर्धारित है, उसी को धारण करें, सब इंस्पेक्टर की तरह नहीं। रुड़की न्यूज, नारसन क्षेत्र के पास स्टील फैक्ट्री में हुआ तेज धमाका, मची अफरा तफरी, 15 श्रमिक बुरी तरीके से झुलसे। रुड़की के पास नारसन क्षेत्र के मुंडिया के स्थित लोहा फैक्ट्री में धमाका होने से 15 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देहरादून, नीट PG काउंसलिंग के लिए तीसरे चरण का पंजीकरण बढ़ा, विश्वविद्यालय ने भी संशोधित तिथियां की जारी। प्रदेश में MD MS MDS की सीटों पर दाखिलों के लिए नीट PG तृतीय चरण की काउंसलिंग के पंजीकरण का समय 4 दिन बढ़ गया है। बुधवार को केंद्रीयकृत काउंसलिंग शेड्यूल में बदलाव के बाद HNB मेडिकल विश्वविद्यालय ने भी संशोधित तिथियां जारी कर दी है। विश्वविद्यालय कुलसचिव डॉक्टर आशीष उनियाल ने बताया कि तीसरे चरण के लिए अब छात्र 20 के बजाय 24 सितंबर तक पंजीकरण सिक्योरिटी फीस जमा करा सकेंगे। 24 तक की प्रथम व द्वितीय चरण में सीट पाने वाले छात्र अपनी सीट छोड़ सकते हैं। तीसरे चरण की मेरिट 21 के बजाय 25 सितंबर को जारी होगी। रामनगर, ट्रेन की टक्कर से हाथी की मौत, सूचना मिलते ही वन कर्मियों में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे अधिकारी। तराई पश्चिम में वन विभाग के आम पोखरा रेंज में रेल से टकराकर एक हाथी की मौत होगी। वन कर्मियों के अनुसार हाथी रात के समय ट्रेन से टकराया था। फिलहाल हाथी के पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।